उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के चारदीवारी क्षेत्र के दौरे के बाद ट्रैवल फ्रेंड से जुड़े लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटन क्षेत्र में गाइडेंस सर्वाधिक उत्साहित है, गाइड्स में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि गाइड्स का मानना है कि इस दौरे के बाद चारदीवारी में यातायात पार्किंग सहित तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। इस मौके पर गाइड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। विरासत के संरक्षण और विकास को लेकर राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की। कल खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जो प्रदेश की पर्यटन मंत्री भी हैं, वो उन्होंने एक हेरिटेज वॉक किया, सिटी पैलेस से निकली। यहाँ ये हवा महल, जिसको मोर मुकुट के तौर पर भी जानते हैं देश दुनिया में, जिस तरह से एक आइकन है जयपुर का, पिंक सिटी का, यहाँ से उन्होंने पूरा हेरिटेज वॉक किया, जल महल माउठे तक ही। हमारे साथ इस समय जयपुर की तीसरी आँख, भले ही आप लोग CCTV को बोलते हो, लेकिन इनसे बड़ी तीसरी आँख कोई नहीं है। ये सब वो गाइड्स हैं जिनमें दौलत सिंह जी भी हैं, जो बहुत लंबे समय से गाइडिंग कर रहे हैं और जयपुर को इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मदन सिंह जी तमाम लोग हैं यहाँ पर, सज्जन सिंह जी सबसे बात करेंगे। दौलत जी, कल मैडम ने एक हेरिटेज वॉक भी किया और जाना कि क्या हालात हैं। कई जगह रंग बदरंग हो रहे थे, कई जगह इस तरह के पोस्टर बैनर थे जिनको देख करके उनको थोड़ा सा परेशानी हुई, केबल के वायर्स, ये सब किस तरह से हेरिटेज संरक्षण को लेकर क्या काम होने चाहिए और क्या वस्तु स्थिति है, संक्षिप्त में एक बार बताइए। मेरे 54 साल के जीवन में पहली बार मैंने देखा कि पर्यटन मंत्री खुद पैदल चल करके वस्तु स्थिति से अवगत हुई और उससे पता लगा कि शहर में क्या व्यवस्थाएँ हो। जब आपने जयपुर को हेरिटेज सिटी बना दिया, लेकिन हेरिटेज सिटी बनाने से या वर्ल्ड हेरिटेज बनाने से क्या होगा जब तक कि यहाँ सब कुछ चीज़ सुचारू रूप से नहीं चले। पूरे संसार में जब हम भारतवर्ष को पोर्ट्रे करते हैं तो 3 जगह के लिए हम प्रचार करते हैं, हवा महल, ताजमहल और मीनाक्षी टेम्पल। तो ये हवा महल है और ये सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया जगह है, हमको इसको बताना चाहिए। तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि सामने जो स्कूल है वहाँ ऊपर छत पर चढ़ करके पर्यटक फोटो ले और उसकी सबसे विहंगम दृश्य जो वहाँ से ऊपर से दिखाई देता है वो कहीं से दिखाई नहीं दे। हाँ मदन सिंह जी, ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है रही है जयपुर में, खासकर परकोटे की हम बात करते हैं। चार दीवारी में पर्यटक आता है, कई बार आवारा पशु दिखाई देने लग जाते हैं, उनके साथ दिक्कत भी होती है, टाउट्स की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ट्रैफिक को कल मैडम ने भी यही देखने की कोशिश की कि ट्रैफिक को किस तरह से सुचारू किया, DCP ट्रैफिक उनके साथ थे। क्या लगता है यातायात को लेकर के किस तरह के काम होने चाहिए ताकि निर्बाध ट्रैफिकिंग भी रहे, स्मार्ट ट्रैफिकिंग दिखे, पर्यटक को किसी तरह की परेशानी ना हो, लपकस भी फ्री रहे वो लपकों से भी? देखिए, कल जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी ग्राउंड के ऊपर आए, मैं तो उनका साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि पिछले कार्यकाल में हम लोग तरस गए थे कि पर्यटन मंत्री जी को देखें। हाँ, देखा ITC राजपुताना में, देखा उनको कई जगह, देखा किसी मॉन्यूमेंट पे हमने उनको नहीं देखा। तो हम तो भाग्यशाली है कि जो टूरिज्म को समझते हैं, जिनको बारीकी से टूरिज्म को देखा है, वो कल यहाँ पे ग्राउंड पे आया तो उनको समस्याओं का वास्तव में पता लगा। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ट्रैफिक की आती है। ट्रैफिक वाली ये रहती है कि हम चाहते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक यहाँ पे ये फोटो पॉइंट है। ताजमहल के बाद में सबसे ज़्यादा अगर इंडिया के अंदर कोई फेमस मॉन्यूमेंट है फोटोग्राफी के हिसाब से, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर तो बहुत बड़ा फेमस हो गया, तो वो है हवा महल। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक की इस तरीके से व्यवस्था हो, 2 जवान लगा दिए जाएं, और नगर निगम आयुक्त से भी हम लोग मिले, उपायुक्त से भी हमने मीटिंग करी है, उनको भी हमने अवगत कराया कि यहाँ की सफाई सुबह 7 बजे आप पहले आप कर लेते तो ठीक रहता है। थोड़ा सा टूरिज्म को सुचारू चलाने के लिए स्मार्ट ट्रैफिकिंग बहुत जरूरी है। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ से लेकर आमेर तक, क्योंकि ये दिल्ली रोड से अधिकतर जो टूरिस्ट आता है दिल्ली रोड से आता है, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, खासकर गुलाबी नगर गुलाबी भी दिखे, एकरूपता हो, रंगों में एकरूपता हो। सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा हमारे पर्यटन मंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदया का कि एक कॉल पे वो कल आए, और हमने कभी सड़क पे इतने बड़े मंत्री को कभी देखा नहीं, जो रोड पे आए और जिन्होंने दिशा निर्देश दिया अधिकारियों को, और वो एक दिन के कॉल पे यहाँ पे हम काफ़ी चेंजेस देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो पूरा यहाँ से लेके आमेर तक का जो भी सिटी का जो चारों तरफ बैनर लगे हुए हैं, चारों तरफ ये आपके हर दुकान के बाहर में जो अलग अलग कलर के जो बैनर जो पीसेज लगे हुए हैं, इन सबको एक रंग किया जाए। तो देखिए, दिया कुमारी के दौरे से जुड़ी बातें ये तमाम जो गाइड्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि कहते हैं ना कि ये तीसरी आंख है, किस तरह का पर्यटक के साथ व्यवहार हो रहा है, कौन पर्यटक आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इनसे ज़्यादा किसी को पता नहीं होता। तो निश्चित तौर पर आप लोगों से भी बात करेंगे, सरकार के जो तमाम प्रतिनिधि आपसे भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह की उम्मीद जगी है दिया कुमारी के दौरे के बाद, उससे ऐसा लगता है कि पूरा परकोटा चार दीवारी का जो प्रोजेक्ट है उसका एक बढ़िया सा न केवल रोड मैप बनेगा, उसकी क्रियान्विति भी होगी, तो उसके बाद जयपुर का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, रंगों में एक रूपता होगी। तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।